नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टी वी में आपका खैर मकदम है। जे के एल डायरी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वादी के कई अजला में तिरंगा रैली का अहतमाम। तारीखी घंटा घर पर भी लहराया गया तिरंगा। मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत वादी के कई अजला में शजरकारी मुहिम, बेदारी प्रोग्रामों का इनकाद, रैली भी निकाली गई, पूरी वादी में हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार। कश्मीर में यौम आज़ादी की तमाम तकारीब के बखूबी इनकाद और अमन को यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं वसी तर इंतजाम। श्रीनगर सेक्टर के इंस्पेक्टर जनरल अजय कुमार यादव का बयान। और पूरी दुनिया के साथ साथ आज वादी में शुरू किया गया डी वार्मिंग वीक। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांदरबल मेहराजुद्दीन शाह ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांदरबल में बच्चों को डी वार्मिंग ड्रग का इंतजाम करके किया इफ्तिताह। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर के तारीखी घंटा घर पर तिरंगा लहराया गया। इत्तलात के मुताबिक यौम आज़ादी के पेश नज़र तारीखी घंटा घर पर तिरंगा लहराया गया है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर आमिर खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि हमारे लाल चौक से श्रीनगर में नए घंटाघर के टॉप पर कौमी परचम लहरा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ये नौ डिज़ाइन शुदा क्लॉक टावर और उसके नए क्लॉक खुशहाली, तरक्की और खुशी की अलामत बन जाएंगे। आपको बताते हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तारीखी घंटाघर को नए सिरे से तामीर किया गया है। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बधर में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। जुमेरात को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बधर के स्कूली बच्चों और सातिजा ने तिरंगा रैली निकाली। रैली के दौरान स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के नारे बुलंद किए। इस मौके पर स्कूल के तलबा और असातिजा ने एक प्लांटेशन ड्राइव का भी इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और दर्जनों दरख्त लगाए। ये बात काबिल ज़िक्र है कि हर जगह हर सरकारी स्कूल में तिरंगा रैली का इनेकाद किया जा रहा है और कौमी तराना गाते हुए बच्चे अपने हाथों में तिरंगा लहराते हुए हर गली कूचे में नज़र आ रहे हैं। इस तरह से ये तिरंगा रैली 15 अगस्त तक जारी व सारी रहेगी। दो तीन साल से एक वाइडर थीम चलता आ रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, एंड यू आर सीइंग राइट नाउ आवर चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग with zeal and zest in different programs, be it cleanliness drive, plantation drive, or awareing the people about this great day. And for this we are very much thankful to worthy LG Manoj Sena, who has made it possible for us, and with whose support we are celebrating these things. Children are very excited and they are very happy actually. तो बहुत खुश हैं कि और वहीं से आ रहे हैं कि सर हम ये प्रोग्राम करेंगे, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और हम अभी तरतीब दे रहे हैं इनके प्रोग्रामों को, चाहे वो बच्चा हो, छोटा बच्चा हो या क्लास 10 का बच्चा हो, हर एक दिल में ये खुशी दौड़ रही है कि 15 अगस्त दिन आ रहा है और उसकी तैयारी में ये दिलो जान से लग रहे हैं अभी। आपको पता है पिछले दो तीन साल से एक वाइडर थीम चलता आ रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, and you are seeing right now our children are participating meri mitti mera desh muhim ke तहत aaj dusre roz shajarkari anjam di gayi। mulk bhar ke sath sath aaj junubi kashmir ke zile pulwama mein zila intizamiya pulwama aur police ne mushtarka taur par meri mitti mera desh muhim ke तहत zile ke sabhi panchayat halqon mein shajarkari anjam di, jahan par police afsaran ke sath sath civil intizamiya ke log maujood rahe। जबकि मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम में मकामी लोगों की एक अच्छी खासी तादाद भी शरीक थी। इस मुहिम के ज़िले पुलवामा के हर एक पंचायत में 75 पौधे लगाए जाएंगे। इस मुहिम का आगाज़ आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने किया, जिन्होंने एसएसपी पुलवामा मोहम्मद यूसुफ के साथ मिलकर ज़िले के
जंदगाम इलाके के एक सरकारी स्कूल में पौधे लगाकर मुहिम का आगाज़ किया। वहीं इस मुहिम के तहत ज़िले के गुलजारपुरा के एक सरकारी स्कूल में भी शजरकारी अंजाम दी गई, जहां पर एडीसी अवंतीपुरा जफर शॉल, डीएफओ अवंतीपुरा वसीम फारूक मीर, तहसीलदार अवंतीपुरा शकील अहमद ने इस शजरकारी मुहिम में शिरकत की, जबकि इस मौके पर स्कूली बच्चों ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया, जिसका मकसद इनको माहौल के तय जिम्मेदार बनाना है। इस मौके पर डीएफओ वसीम फारूक ने कहा कि आज के दिन ज़िला पुलवामा की हर एक पंचायत में 75 के करीब पौधे लगाए जाएंगे, जबकि इस मुहिम को मज़ीद वसअत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए इस साल 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस मुहिम के हवाले से ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क्यूम ने कहा कि मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम के तहत आज हमने शजरकारी अंजाम दी, जो ज़िले के हर एक पंचायत में अंजाम दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम में ज़िले के लोगों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की है, जो एक खुशाइन बात है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आवाम बाकी प्रोग्रामों में भी इसी तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और मैं जुमा गन की रहने वाली हूँ। जुमा गन हिंदुस्तान का आखिरी इलाका है और यहाँ आज आर्मी ने पौधे लगाए, जो शहीदों की तादाद में लगाए गए और ये उन शहीदों की याद में लगाए जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और हमें वो वीडियो भी दिखाए जिन्होंने उन्होंने अपनी जान कुर्बान किया, और हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं। आज यहाँ पे आर्मी ने एक प्लांटेशन ड्राइव की, वो इन शहीदों की यादगार की जिन्होंने देश की खातिर अपनी कुर्बानियाँ दी, और हमें उनकी वीडियोस भी दिखाए गए जिससे हम मोटिवेट हो सके। बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर गुंड पुलिस ने मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत थाना गुंड से हाकनार तक एक मेगा तिरंगा रैली का अहतमाम किया, जिसमें मुल्क के लिए अपनी जान देने वाले बहादुर फौजियों को खराज तहसीन पेश किया गया। एसडीपी और कंगन मुजफ्फर जान, एसएचओ पुलिस स्टेशन गुंड मुदस्सर अहमद, एसएचओ सोनमर्ग फैयाज अहमद और पुलिस के दीगर अफसरान के साथ साथ तहसीलदार गुंड जावेद इकबाल, डीडी गुंड नूरानी जारा, डीडी हकीमा बानो, बीडीसी मौलवी मोहम्मद रफीक, सरपंच पंच के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए स्कूली बच्चों ने भी तिरंगा रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर हर एक ने हिंदुस्तान के रोशन मुस्तकबिल की तश्कील का पुख्ता हलफ लिया, जो इस मुहिम के दौरान देखा गया। कौमी भाईचारे और हुब्बुल वतनी के जज्बे के मनाजिर इस वक्त देखे गए, जब तलबा कौमी परचम लहराकर राष्ट्रीय गान गाते हुए थाना गुंड से हाकनार की तरफ रवाना हुए। तिरंगा रैली में 118 बटालियन सीआरपीएफ गुंड के जवानों के साथ साथ सीईओ और दीगर सीआरपीएफ अफसरान, बीएसएफ के जवान और मकामी लोगों की एक कसी तादाद ने शिरकत की। मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम के तहत इसके हिस्से के तौर पर 9 से 30 अगस्त तक गाँव, कस्बों, ब्लॉक, रियासती और कौमी सतह पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, और मुल्क के लिए अपनी जान निछावर करने वाले अफराद को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जो डीजीपी साहब है हमारे, उनकी तरफ से डायरेक्टिव था कि पूरे जेएंडके पुलिस के जितने भी यूनिट्स हैं वो ये रैलीज, मार्चेस और दूसरे टाइप के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे थ्रू आउट जेएंडके। इसी ज़मन में आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस गांधरबल ने गुंड पुलिस स्टेशन में एक रैली का अहतमाम किया है, जिसमें डिफरेंट स्कूल्स गुंड जेडी के और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सीआरपीएफ 118, एसएसबी, बीएसएफ और जितने भी यात्रा पे आए हुए पुलिस के ऑफिसरान थे, उन्होंने शमूलियत की। आप देख सकते हैं एक अच्छा माहौल है, जज्बे के साथ हर कोई कर रहा है, और इसी जज्बे को हम आगे भी प्रोत्साहन करते रहेंगे इस चीज़ का, और इस चीज़ का बढ़ावा होता रहेगा इंशाअल्लाह। ये रैली पुलिस स्टेशन गुंड से। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के करेरी में मेरा माटी मेरा देश उनवान के तहत एक बेदारी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, और उसमें डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग के साथ ज़िला इंतज़ामिया बारामूला के दीगर छोटे बड़े अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग ने कहा कि सरकार की जानिब से इस किस्म के प्रोग्राम करवाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम आवाम के साथ राबिता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले बारामूला में काफ़ी तरक्याती काम हो रहे हैं और मुस्तकबिल में हम लगातार लोगों के लिए काम करते रहेंगे, और ये खुशी की बात है कि दिन न दिन हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं।
जाहिर सी बात है ये बहुत वेलकम स्टेप है कि लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे, मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। सबसे पहले लोग अपने जो है आज की थीम के बगैर मैं बात करूंगी कि लोग जो हैं डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो है एक स्टेक होल्डर एज वेल एज शेयर होल्डर बन चुके हैं। ग्रास रूट लेवल पे जो हमारा 3-tier सिस्टम है ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट, एक जो मैं कह रही हूँ बार बार की ओनरशिप, जैसे इन्होंने जो है इस सारे प्रोसेस में ओनरशिप इनको एक बन गया है, हिस्सा बन गया ओनरशिप का। साथ में इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए तमाम जो स्कीम्स होती हैं वो अल्टीमेटली आम लोगों के लिए होती हैं। हिंदुस्तान के आखिरी गांव जिमगुंड कुपवाड़ा में आज इंडियन आर्मी ने मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत बॉयज हायर स्कूल जिमगुंड के अहाते में एक रैली और प्लांटेशन ड्राइव का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों, असातिज़ा किराम और मकामी लोगों ने हिस्सा लेकर प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने। इस प्रोग्राम में फ़ौज ने स्कूली बच्चों को मेरी माटी मेरा देश के मकसद और मुल्क के लिए बहादुर आर्मी जवानों ने अपनी जान निछावर की है उनकी वीडियो दिखाई गई, जिस दौरान बच्चों ने मकामी लोगों और फ़ौज ने इस वतन के लिए शहीद हुए जवानों का वीडियो देखा और इन शहीद का अहम रोल पर रोशनी डाली गई। वाज़ रहे कि जुमागुंड कुपवाड़ा से 35 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है और ये आखिरी गाँव है हिंदुस्तान का। मैं जुमा गन की रहने वाली हूँ, जुमा गन हिंदुस्तान का आखिरी इलाका है और यहाँ आज आर्मी ने पौधे लगाए जो सैकड़ों की तादाद में लगाए गए और ये उन शहीदों की याद में लगाए जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और हमें वो वीडियो भी दिखाए जिन्होंने उन्होंने अपनी जान कुर्बान किया और हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं। आज यहाँ पे आर्मी ने एक प्लांटेशन ड्राइव की वो इन शहीदों की यादगार की जिन्होंने देश की खातिर अपनी कुर्बानियाँ दी और हमें उनकी वीडियोस भी दिखाए गए जिससे हम मोटिवेट हो सके। बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी। मेरा नाम महनाज अख्तर है। डोडा पुलिस की तरफ से मेरी मिट्टी मेरा देश की मुनासिबत से एक जम गफीर तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा से SSP अब्दुल कयूम ने तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में पुलिस, नीम फौजी अहलकारों, मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों के हज़ारों की तादाद ने तलबा ने शिरकत की। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा से निकलने वाली रैली देसा रोड घंटाघर से होते हुए पुलिस थाना डोडा में अख्तितम पजीर हुई। रैली के दौरान तलबा ने हुब्बुल वतनी के फलक गोश नारे लगाए। सड़क किनारे लोगों का हजूम इस मुनफरद रैली को देखने के लिए रुक गया था। प्रोग्राम के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए SSP ने बताया कि मुल्क भर में जारी मेरा मिट्टी मेरा देश की मुनासिबत से डोडा पुलिस की तरफ से तिरंगा रैली का अहतमाम किया गया, जिसमें पुलिस, नीम फौजी दस्तों और तलबा ने शिरकत की। रैली के बारे में तलबा का बताया गया कि मेरी मिट्टी मेरा देश का मकसद मुल्क के बहादुर जवानों को खिराज अकीदत पेश करना है, उन्हें याद करना है जिन्होंने मुल्क की बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। SSP ने मजीद बताया कि तलबा को थाने के अंदर के माहौल के बारे में भी आगाह किया गया ताकि वो पुलिस के काम से वाकिफ हो जाएं और सच्चे मुहिब वतन और हिंदुस्तानी शहरी अब बन सके। मकसद था कि इसमें जो है हमारे जितने भी सोल्जर जो हैं शहीद हुए थे इंडिपेंडेंस डे में या कोई भी इंडो पाकिस्तान वॉर में देखा जाए तो उसमें भी बहुत से जो सोल्जर्स थे वो शहीद हुए थे और उन्हीं को याद करने के लिए ये जो रैली है वो निकाली गई थी। मेरा देश मेरी मिट्टी, उसी के लिए ये प्रोग्राम किया गया। जी हाँ, जैसे आपको पता है कल से 9 अगस्त से ये हमारा प्रोग्राम मेरी माटी मेरा देश, माटी को नमन वीरों को वंदन, ये कल से शुरू हुआ है। कल हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में इसकी प्लज ली है पंचप्राण की, वो सभी पुलिस स्टेशन पुलिस पोस्टों पे की है। उसी सिलसिले में चलते हुए आज हमने एक मेरी माटी मेरा देश मार्च रखा था, उसको तिरंगा मार्च भी कह लीजिए। ये स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू हुआ और यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर ख़त्म हुआ है। इसमें सभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के ट्रूप्स हैं। हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत आज शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के दूर इफ्तादा गांव बोनियार में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों के साथ साथ काफ़ी लोगों ने शिरकत की। दरअसल इस किस्म का प्रोग्राम पहली बार बोनियार के आखिरी गांव जो LOC के बिल्कुल पास है और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर शमूलियत इख्तियार की। मुकामी लोगों ने बताया कि हम काफ़ी खुश हैं और यौम आज़ादी की तकरीबात के लिए तैयारी कर रहे हैं और आज इस किस्म के प्रोग्राम में शमूलियत करके हमें काफ़ी खुशी हो रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये एक दूर दराज इलाका है और हमारी फ़ौज हमारी काफ़ी मदद करती है और हम उम्मीद करते हैं कि LOC के आसपास हमेशा अमन कायम रहे। जी, आज का प्रोग्राम जो है ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी का मकाम था। हम बड़े खुश हुए इस चीज़ को देख के
कि आज इस LOC इतने दूर दराज इलाके में भी कोई प्रोग्राम हुआ। ये हमारा जो है इस LOC के ऊपर पहली बार ये प्रोग्राम हुआ। इस तरह तो इंशाल्लाह 15 अगस्त की तैयारी तो हम हमेशा करते आए हैं, लेकिन इतने LOC के ऊपर हमने आज तक प्रोग्राम नहीं देखा। हर वक्त हमें ये लगाने को खुशी मिलती है कि हम इसको आज हर घर घर लगाते हैं, और कोई भी हमें मुश्किल हो वो आर्मी की तरफ से हमारी वो मुश्किल हल होती है। कहीं बीमार हो जाए, ये फील्ड फ्लैग एरिया है, अगर आर्मी आना हो तो यहाँ से बीमार ले जाना हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। और आर्मी के की उधर अनंतनाग पुलिस की जानिब से मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम के तहत पुलिस स्टेशन सदर से एक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस और स्कूली तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वाज़ह रहे कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में रैलीस का अहतमाम किया जा रहा है, जो कि 13 से 15 अगस्त तक जारी रहेगी। ज़िले किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में ज़िले के सभी ब्लॉकों में यौम आज़ादी के मौके पर मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत रंगारंग स्कूली बच्चों के प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिनेश यादव ने भी खुद भी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया और कई जगहों पर मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम में हिस्सा लेकर पौधे लगाए। किश्तवाड़ में कई जगहों पर कल्चर अकेडमी की जानिब से स्कूली बच्चों ने जश्न आज़ादी के मौके पर गीत भी गाए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF श्रीनगर सेक्टर के इंस्पेक्टर जनरल अजय कुमार यादव ने जुमेरात को कहा कि कश्मीर में यौम आज़ादी की तमाम तकारीब के बखूबी इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए वसी तर इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अमन को बरकरार रखने के लिए श्रीनगर और दीगर मकामात पर मुख्तलिफ मकामात पर खसूसी नाके लगाए गए हैं। श्रीनगर के मायसमा इलाके में CRPF के ज़ेर एहतमाम एक मेडिकल कैंप के मौके पर नामा निगारों को बताया कि हम पूरे कश्मीर में यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त के पुरअमन इनेकाद के लिए तैयार हैं। IG CRPF ने कहा कि एक मुनासिब तैनाती का मंसूबा बनाया गया है, जिसमें बेतरतीब चेकिंग वगैरह शामिल है। अफसरान तरक्की की निगरानी के लिए मैदान में हैं। रात को चेकिंग और गश्त बाकायदगी से जारी है। ये तमाम इकदाम अमन को बरकरार रखने के लिए किए जा रहे हैं। IG CRPF ने कहा कि फोर्स तमाम चैलेंजों से निपटने के लिए तैयार है। इसके लिए हमारी सारी प्रिपरेशंस होनी चाहिए, वो बिल्कुल पूरी हैं। डिप्लॉयमेंट, रिहर्सल और जो जो हमारी तैयारी होनी चाहिए वो सब में बिल्कुल चाक चौबंद तैयारी है, बिल्कुल बंदोबस्त पूरी की है। सर, नाके वाके भी लगाए गए हैं उसमें, चेकिंग वगैरह? जैसे हमारे को जो जो हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान रहता है, नाके चेकिंग, रैंडम चेकिंग, फ्लैश नाकास, वो सारे के सारे बिल्कुल इस टाइम लगाए जा रहे हैं। ऑफिसर्स फील्ड के ऊपर हैं, जो कि रात के टाइम पे शाम के टाइम में खुद गश्त करते हैं, जिससे कि अमन चैन को कायम रखा जा सके। किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार है CRPF? जी बिल्कुल, हम हर तरह से तैयार। महकमे सेहत के नाज़िम आला मुश्ताक अहमद राठर ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अनंतनाग में लारवा नेशनल डी वार्मिंग हफ्ते का अफ्तिताह किया। इस मौके पर ADC अनंतनाग गुलजार अहमद भट्ट, CMO अनंतनाग मोहम्मद यूसुफ जागू और महकमे के दीगर आला मुलाजमीन ने शिरकत की, जबकि इस मौके पर स्कूल के तलबा की एक अच्छी खासी तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने बताया कि एक शख्स को किस तरह से लावा के तई अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्राम के आखिर पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने तलबा में अद्वियात फराहम की। आज ये पूरे हमारे अपने भारत में मना रहे हैं, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक में ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। और इस प्रोग्राम के तहत जो भी बच्चे हैं, खासकर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जैसा कि एज का मैंने बोला, उनको ये लेना बहुत ज़रूरी है। कि देखा गया है कि जो एंटी हेलमेंटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एल्बेंडाजॉल जो हम दे रहे हैं, सस्पेंशन एंड टैबलेट टू दीज यंग चिल्ड्रन, इनको वो लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारी
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांधरबल मेराजुद्दीन शाह ने आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांधरबल में बच्चों को डीवॉर्मिंग ड्रग का इंतजाम करके नेशनल डीवॉर्मिंग डे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एडीसी ने सीएमओ से कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुहिम के दौरान कोई बच्चा बाकी न रह जाए और वह बच्चे जो कौमी कीड़े मारने वाले दिन को नाकारा बना सके उन्हें 17 अगस्त 2023 को एमओपी अपडेट पर मंशियात का इंतजाम करना होगा। सीएमओ गांधरबल ने आगाह किया कि स्कूलों और इनगाउनोड एडिस में 19 से 1 साल की उम्र के बच्चों को सेहत गजाई हालत और मयार ज़िंदगी में बेहतरी के लिए डीवॉर्मिंग का इंतज़ाम किया जा रहा है। इसको नेशनल डीवॉर्मिंग डे के तौर पे मनाया जा रहा है। चीफ मेडिकल ऑफिसर भी है और इसकी हेड है, हॉस्टल की हेड। तो आज हमने इस मुहिम की यहाँ पे शुरुआत की है। इसके तहत हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 83,000 के करीब जो है बच्चे उनको एडमिनिस्ट कर रहे हैं और स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं उनमें जाके हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज हैं वो वहाँ पे जाएंगे और बच्चों को 10 अगस्त जो है। डोडा पुलिस की तरफ से जारी करदा एक बयान में बताया गया है कि एक मखसूस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन गंदोह की एक पुलिस पार्टी ने इंस्पेक्टर विक्रम सिंह एसएचओ और थाना गंदोह की क्यादत में गंदोह के भवन जंगलाती इलाके में भारी मकदार में गैर कानूनी लकड़ी जब्त की है। जमशेद अहमद वल्द अब्दुल क्यूम खान और शहबाज अहमद खान वल्द निज़ामुद्दीन खान दोनों साकिना गांव सिनवाड़ा तहसील गंदोह की तरफ से कंपार्टमेंट नंबर 46 बीएच गंदोह के जंगलाती इलाके में गैर कानूनी तौर पर खड़े हरे दरख्त को काट कर लकड़ियां चोरी करने का पता चला है। नविश्ताजात गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने वाले दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके नविश्ताजात को कब्ज़े में ले लिया गया है। इस मुतल्लिक़ दफ़ात के तहत FIR दर्ज करके मुकदमे की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। डोडा पुलिस ने लकड़ी के स्मगलरों के खिलाफ खसूसी मुहिम शुरू की है और अब तक मुतादिद लकड़ी के स्मगलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और ज़िले में मुतादिद मकामात पर भारी मकदार में गैर कानूनी लकड़ी जब्त की गई है। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के गुलजारपुरा की आबादी सड़क की खस्ता हाली से परेशान है, जिसके लिए इलाके के लोगों ने आज महकमे RNB और DC पुलवामा से अपील की है कि इस खस्ता हाल सड़क की मरम्मत की जाए ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मकामी लोगों ने कहा कि गुलजारपुरा पुलवामा राबिता सड़क कई सालों से खस्ता हाल हो चुकी है। इलाके के लोगों ने महकमे RNB के अफसरान को नोटिस में लाया, सड़क की खस्ता हाली का मामला भी लाया, ताहम आज तक इस पर काम शुरू नहीं किया गया, जबकि सड़क को ठीक करने के लिए महकमे ने रुकुमात वागुजार कर ली है, ताहम सड़क पर किसी तरह का काम शुरू किया नहीं गया है, जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वादी के कई अजला में तिरंगा रैली का अहतमाम, तारीखी घंटा घर पर भी लहराया गया तिरंगा। मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत वादी के कई अजला में शजरकारी मुहिम, बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद, रैली भी निकाली गई, पूरी वादी हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार। कश्मीर में यौम आज़ादी की तमाम तकारीब के बखूबी इनेकाद और अमन को यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं वसी तर इंतजामात। CRPF श्रीनगर सेक्टर के इंस्पेक्टर जनरल अजय कुमार यादव का बयान। और पूरी दुनिया के साथ साथ आज वादी में शुरू किया गया डीवॉर्मिंग वीक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने किया इफ्तिताह। JKL डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।